तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेबी टर्टल को क्या फीड करते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं बेबी टर्टल को क्या फीड करना है, छोटे टर्टल्स हैं उनको खाने में दिक्कत होती है, कितना टाइम देना है, क्या फीड करना है, किस तरह इसका फीड का जो होता है वो प्रोसेस होता है या उसका प्लान होता है, पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या फीड कर सकते हो अपने बेबी टर्टल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक्स आता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर बेबी टर्टल हैं। पिछले दिनों से जब से मैंने टर्टल की वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि बेबी टर्टल को क्या फीड करना है, कौन सा फीड देना है, इनके लिए स्पेशल फूड होता है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ तक पूछते हैं कि आप बेबी टर्टल को मिल्क पिलाना है या दूध पिलाना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी टर्टल को आप फीड करने का कोई स्पेशल फूड नहीं होता है। आप नॉर्मल जो पैलेट्स होते हैं टर्टल का वही फीड कर सकते हैं, इसके लिए अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखो, इनके माउथ जो है बहुत छोटा होता है तो छोटे टर्टल देना बेटर रहता है। जैसा कि फ़िश का कोई भी पैलेट्स हो, कोई भी पैलेट्स हो, फिश पैलेट्स आप दे सकते हो, जो छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं एंजल फीड को फिट करने का, या आप उसाकी का होता है या हिकारी का आता है या टायो का आता है, जो आप एंजल को फिट कर सकते हो या बेटा को फिट करते हो, छोटे छोटे फिशेस को फिट करते हो वो दे सकते हो। जो भी पैलेट्स बेस्ट है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो उनके माउथ में फिट हो जाए, उसके मुंह में फिट हो जाए, वो आप दे सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, टर्टल जो है ज़्यादा हरिया खाना पसंद करते हैं, जिसे स्पिरुलिना फूड कहते हैं, वो मिक्स फूड होना ज़रूरी है, जो स्पेशली सिर्फ टर्टल फूड में ही अवेलेबल होता है। तो आप टर्टल फूड डाल सकते हैं, टर्टल फूड आप पीस करके क्रश करके डाल सकते हैं। क्रश करोगे तो बहुत आटा हो जाएगा, वो बारीक बारीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करना है, सिर्फ टर्टल फूड को पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद वो क्रंची फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो आराम से इसको खा लेंगे। तो नॉर्मल जो भी पैलेट्स होते हैं फिश फूड है वो आराम से देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, हाई रेड फूड नहीं देना, जिसमें एस्टैक्सिन मिक्स होता है वो नहीं देना है, जिसमें आप टायो हाई रेड होता है या ऑप्टिमम क्विक रेड होता है या हिकारी का क्विक रेड होता है, जो स्पेशली पैरेट फिश को दिया जाता है ताकि वो उसका कलर रेड हो, वो फूड अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप वो फूड दे रहे हो, अगर येलो बेली को आप वो फूड दे रहे हो, तो जाके आगे जाकर उसका येलो बेली जो है उसका कलर चेंज होने लगेगा और रेड में थोड़ा बहुत शाइनी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो नॉर्मल प्लेट्स हैं वही दो, स्पेशली एस्टैक्सिन मिक्स नहीं होना चाहिए। एस्टैक्सिन किस लिए यूज़ करते हैं, फ़िश कलर का डार्क रेड करने के लिए। इसके अलावा कोई भी आप फूड दे सकते हो, मैं स्पेशली मरीन, मेरे पास सैम्पल फूड आया था मरीन फ़िश का, वो पैलेट्स में फीड कर रहा हूँ, वो आराम से आप दे सकते हो, या आप एंजल फिश को दे रहे हो तो वो भी दे सकते हो। नॉर्मल जो छोटे पैलेट्स हैं वो दे सकते हो, और साथ में टर्टल फूड भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप इसको फ़िश पैलेट्स पे ही नहीं रह सकते, क्योंकि इनके लिए विटामिन्स और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, जो सब फ़िश फूड में अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए आप फ़िश फूड के साथ साथ आप जो टर्टल फूड होता है वो भी आप मिक्स करके दे सकते हो, वो आराम से खा लेंगे। और उनको पानी के अंदर ही डालना है, पानी के बाहर नहीं डालना। बहुत सारे लोग बाहर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टर्टल जो है अक्वाटिक एनिमल्स है, वो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग खाना खाते हैं डायरेक्ट स्वैलो कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, कि जब पानी इनके अंदर जाता है मिक्स होता है तभी इनको ये स्वैलो कर पाते हैं, निगल पाते हैं। तो पैलेट्स का हो गया, और साथ में अगर वेजेस की बात करें तो आप पालक पता दे सकते हो, उसको आप रख देना उसके अंदर, वो आराम से खा लेगी। बॉयल कैरेट आप उसको बारीक करके भी दे सकते हो, वो भी आराम से खा लेंगे। कोकोमर पीस रख दो, वो भी खाना खा लेंगे। स्ट्रॉबेरी चाहे तो वो भी रख दो, एप्पल की पीस कट करके रख दो, वो भी खा लेंगे। बनाना की पीस रख दो, वो भी रख देंगे। तो जनरली वेजिटेरियन जो भी हो, हम लोग जो येलो कलर का होता है वो भी दे सकते हो रेड के अलावा, या नॉर्मल ग्रीन जो होते हैं वेजेस वो भी दे सकते हो, या मटर दाना जो होता है वो बॉयल करके दे सकते हो। अल्टरनेटिव देना है, एक दिन में एक फूड दो, क्योंकि टर्टल्स फिशेस की तरह या हमारी तरह भी एक ही फूड खा खाकर बस हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, कंटाल आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अल्टरनेटिव फूड दें, एक दिन पैलेट दें या दो दिन पैलेट दें, दूसरे तीसरे दिन जो है उसको वेजेस दे दें, या आप चाहे तो चिकन की बारीक पीस करके जो होता है रॉ चिकन, या नॉर्मल चिकन भी, या बॉयल करके चिकन भी रॉ पीस करके डाल दो, वो भी आराम से खा लेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये टब में रखा हूँ, आपने देखा रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए अलग से मैंने यहाँ पर टैंक रखा था, लेकिन अभी वो टैंक निकाल दिया, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर हॉल में 5-6 टैंक्स हैं। रिसेंटली हम लोग ने ये सोफ़ा ख़रीद लिया सेट, तो रखने के लिए जगह ही नहीं था, तो इसलिए मजबूरन हमें टर्टल टैंक हटाना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो अभी टेम्प्रोरी पर्पज़ के लिए मेरे उस टाइम पे मेरे पास 11 टर्टल थे, अभी मेरे पास 6 ही हैं। 5 टर्टल मैंने अपने नियर बाई को दे दिया, क्योंकि 3 महीने का मैंने टाइम दिया था, 3 महीने के अंदर अगर हमारा 400,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं गिव अवे करूँगा, लेकिन 3 महीने भी पार हो चुके, चौथा महीना चल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स 400,000 तो छोड़ो 3.5 लाख तक भी नहीं हो रहे। तो इसलिए मैंने इसमें से तकरीबन 60 टर्टल जो है हमारे नियर बाई जो नॉन पर्सन होते हैं फ्रेंडली या कजिन्स को दे दिया। अभी 6 बचे हैं, 6 में 4 अपने पास रखूँगा, 2 देखता हूँ और क्या करते हैं,
चार तो अपने पास रख लूँगा जब तक वो बड़े ना हो जाए। तो अभी टेम्प्रोरी पर्पज़ के लिए काफ़ी है इनके लिए बजट, ये जो टब सेटअप है यूबीलेट दिया हुआ है और बास्किंग एरिया के लिए छोटा सेटअप रखा हुआ है। टेम्प्रोरी पर्पज़ के लिए हो सकता है एक दो महीने के लिए इसके अंदर रखूँ, बाद में इनके लिए अलग से एक टैंक बड़ा बनाऊँगा जहाँ पर थोड़ा अच्छा सिचुएशन इनके लिए थोड़ा अच्छा एक टैंक सेटअप मिले। और नेक्स्ट बारी है कितने टाइम देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कितने टाइम इनको फीड करना है। देखिए अडल्ट टर्टल को जो है डेली एक टाइम फीड करो कोई दिक्कत नहीं, दो दिन में एक बार फीड करो कोई दिक्कत नहीं। जुवेनाइल जो मीडियम टर्टल होते हैं 4-5 इंच उनको डेली 2 टाइम दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे टर्टल जो है उनको ज़्यादा भूख लगती है, 3 या 4 बार दे सकते हो, ज़्यादा भी नहीं देना, 3 या 4 बार दोगे आराम से खा लेगी। लेकिन फिशेज़ की तरह भी इनमें भी ओवर फीड का इशू होता है। ओवर फीड से क्या होता है, बहुत सारे लोग देखा ओवर फीड से क्या होता है, फिशेस को क्या होता है ओवर फीड होकर कहीं कोने में बैठ जाती है, खाना नहीं खाती, पेट फूल जाता है। लेकिन टर्टल को कैसा मालूम करके ओवर फीड है, ओवर फीड जब टर्टल खाती है तो उसका पैर के जहाँ पे मोटा सा कुछ हो जाता है जिसे वो हिला नहीं पाता है पैर, या गर्दन की जगह पे कुछ मोटा सा हो जाता है जिसकी वजह से वो कुछ अजब सा हो जाता है, तो ये ओवर फीडिंग के साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको ओवर फीड नहीं करना। ओवर फीडिंग कैसे मालूम करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टर्टल का फूड डालो 20 मिनट में जितना वो खा रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट फूड नहीं है, फास्ट पिकर नहीं है फिशेस की तरह, 20 मिनट तक वेट करना है, 20 मिनट तक कर ख़त्म कर दे कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट के ऊपर जो है वो ओवर क्रोड है या ओवर फीडिंग है तो उसको निकाल कर फेंक देना है। दिन में 3 टाइम दे सकते हो जब तक कि ये 4 इंचज़ के ना हो जाए, जब तक ये 4 इंचज़ के ना हो जब तक 3 टाइम आप डेली फीड कर सकते हो। 4 इंचज़ के बाद आप उसको 2 टाइम फीड करना स्टार्ट कर दो, जब ये 1 फीट का होना स्टार्ट हो जाए तब आप डेली 1 टाइम भी फीड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इवन विदाउट हैविंग फूड 2 महीना भी रख दो बड़े टर्टल को कोई दिक्कत नहीं, इनको भी आप विदाउट हैविंग फूड 1 महीना रखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फास्ट ग्रो करने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए डेली 3 टाइम फीड करो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंडिंग में हम आ रहे हैं वीडियो के, बहुत सारे लोग देखते हैं कि मेरे पास भी यहाँ पर टर्टल है, एक बहुत जल्दी बढ़ रहा है एक बहुत छोटा बढ़ रहा है, ये क्या इशू है। देखिए मेल फीमेल का इसके अंदर रेशियो होता है, मेल बहुत स्लो ग्रोथ होती है उसकी, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, फीमेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके अंडों को होल्ड करना है पेट के अंदर, जिसकी वजह से फीमेल बहुत जल्दी बढ़ती रहती है, इसलिए फीमेल बहुत बड़ी होती रहती है, मेल बहुत छोटा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, तो एक कारण हो सकता है। आप बहुत सारे टेंशन लेते हैं कि एक बढ़ रहा है एक नहीं बढ़ रहा है क्या करना है, तो एक इशू होता है। तो आप प्लान कर लो, हफ्ते के 7 दिन ड्रा कर लो, 3 दिन एटलीस्ट उसको पैलेट दो, 4th दिन उसको चिकन दे सकते हो, 5वें दिन उसको वेजिस दे सकते हो, 6ठे दिन उसको चाहे तो आप ब्लड वार्म, ब्रेन श्रिम्स, अर्थीमिया, या आप उसको अर्थवार्म भी दे सकते हो, ब्लड वार्म भी दे सकते हो, ब्रेन श्रिम दे सकते हो, लार्वा दे सकते हो, कुछ भी इंसेक्ट्स आप इनको फीड दे सकते हो आराम से खा लेगी, या श्रिम भी दे सकते हो जो अक्वाटिक श्रिम्स होते हैं, जो रिवर श्रिम्स होते हैं, स्पेशली जो खाने वाले श्रिम्स होते हैं जो इंसान खाते हैं वो श्रिम्स आप दे सकते हो, लेकिन उसमें साल्ट मिक्स नहीं होना चाहिए, बॉयल भी दे सकते हो रॉ भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फीडिंग का स्केड्यूल है फिशेस टर्टल्स को, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी टर्टल्स काफ़ी फास्ट ग्रो होगी। फास्ट ग्रो करने का फार्मूला यही है, डेली 3 टाइम फीड करना है, बड़ी जगह देना है और बास्किंग एरिया देना है, फीड को पानी के अंदर डालना है ताकि वो आराम से स्वैलो कर सके। तो और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या हम येलो बेली के लिए आरियस टर्टल के लिए दोनों के लिए सेम फीड देना है, तो हाँ दोनों का सेम फीड है, अलग नहीं होता है। तो ये आज का मोटा मोटा टॉपिक था, क्या हम टर्टल्स को फीड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको फॉलोअप करें तो आपके टर्टल हेल्थी और हैप्पी ग्रो होंगे। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हो या क्वेश्चंस कुछ बाकी है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा, लेट ही सही लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो हमारे चैनल पर इस तरह के बहुत सारे कॉन्टेंट आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं। चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।